वो भी सुबह से बैठे ही हैं। चाय घूमने चले? घूमने बाइक पे, और वो भी बारिश में। पहले भी तो इसी बारिश में जाते थे घूमने। पहले की बात कुछ और थी, पहले हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ना थी, पहले हम लोग इंडिपेंडेंट थे। हाँ अब तो मैं कितनी डिपेंडेंट हो गई हूँ ना। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हें कहाँ पे घूमने के लिए चलना है? मैं लेके चलूंगा। काश आज गाड़ी होती तो इतना डिपेंडेंट नहीं होती। बात तो सही है, पर तुम्हें गाड़ी भी तो चलानी नहीं आती। अगर मैं गाड़ी चलाना सीख लूं तो? डन। अगर तुम गाड़ी चलाना सीख लोगी तो हम लोग गाड़ी ले लेंगे। ये थोड़े से थोड़े बंधन है खोले, जो दिखते नहीं थे वो रास्ते टटोले। हो बेटा। पिताजी ये हमारी नई सेंट्रो। जो भोले से भोले जज्बात देखो डोले, न बोली गई जो कहानियां वो बोले। ये थी दिल्ली की अनीता साइनी की कहानी, जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस, अपने सपनों को सच कर दिखाया और एक नई सेंट्रो खरीदी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लॉग ऑन कीजिए brilliantmoments.in पर और इनके लिए वोट कीजिए। ऐसे ही 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है हुंडई के साथ। इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।